माता रानी माता रानी शुक्र है तेरा, शुक्र है तेरा, तिवारी किला हुआ मेरा। बबलू सर, मैंने तुझसे कहा था ना कि घोसला जो सपना, घोसला जो ख्वाब देख लेता है उसे झट मार के सपना सपना सपना। हाँ ख्वाब बोल रहा हूँ। जोड़ी सपना, जोड़ी यार एक्शन। अरे बबलू सर, घोसला जो सपना देखता है ना उसे झक मार के पूरा हो रहा था। खूब काटी कोता से। एक और कर उसे। उठ के आना, एक और कर। उठ के आने से कर दो। वो हो गया, वो लोग जा चुके हैं। हट जाओ, सुनो हट। रेडी आप थोड़ा पे। हाँ ओके, रेडी रोलिंग रोलिंग है। वो क्लैप से ले लो आप लोग। हाँ रोलिंग है यार, रोलिंग है। थोड़ा राइट फिंगर। ए ये भगवान जी को रोना, इसके लिए मन मिले। ओ माता रानी शुक्र है तेरा, शुक्र है तिवारी किला हुआ मेरा। ऐ गुगलू घोसला जो सपना देखता है ना उसे झक मार के पूरा होना पड़ता है। एकदम खांटी पता सर। आपका अभी सपना तो पूरा हो गया ना सर, तो अभी हमारा भी एक सपना है, पूरा कर दीजिए ना। भाई तेरा क्या सपना है, बोल 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 मेरे बच्चे। आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग जो मांगना। सर आपने दुहाग भरे आशीर्वाद दे दीजिए हम दोनों को। हम दोनों को? दूजा कौन है? सुमन। सुमन तिवारी है? बहुत प्यारी सर। सर वो हमको बहुत प्यार करती है, हम भी उसको बहुत प्यार करता है। अच्छा है? तेरे को ये गलत फहमी कैसी होगी अपने कौन सा दोरियागंज। रास्ते में हमने उसको लिफ्ट दिया, उसने हमको गिफ्ट दिया अपना दिल। लव एट फर्स्ट साइट सर। इस सीन में क्या हो रहा था बताइए। इस सीन में जो घोसला है वो जिसने उन्होंने हमारे खिलाफ एक बाजी खेली है और हमने पलट के उन्हीं को ही ट्रैप कर लिया है। तो कुल मिला के जो सीन अनफोल्ड हो रहा है तो वो ट्रैप हो रहा है किसी अपनी जाल में। वो चेक का माजरा थोड़ा बताइए। चेक का माजरा तो पूरी स्टोरी खुल जाएगी अगर बताऊंगी तो। बता दीजिए थोड़ा बड़ा। अच्छा कुछ नहीं, ऐसे ही है। हमारा जो घर है वो घर जो घोसला है वो गलत साइन करवा के अपने नाम पे करवा लेता है और हमको चेक देके फर्जी चेक देता है और ये बोलता है कि ये आप चेक ले लीजिए और मकान हमारा हो गया। तो अब हम उल्टा गेम खेल रहे हैं और उसी को फंसा रहे हैं इसमें। कुछ इस तरह से पूरी स्टोरी नहीं बताऊँगी, आप देखिए। मीन्स देखा जाए तो एक तरफ जो श्रवण है वो उनके खिलाफ लड़ रहा है और आप भी इनके खिलाफ ही है देखा जाए। किन के खिलाफ? घोसला साहब। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, पहले मैं इनके साथ मिली हुई थी लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि ये आदमी ठीक नहीं है तो अब मैं अपनी फैमिली के साथ हो गई हूँ। पहले मैं थोड़ी चालाकी कर रही थी और इनके साथ थी पर अब मैंने दूसरी तरफ चले अपनी फैमिली के साथ आ गई हूँ। ओके मैम। मैम देखा जाए तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या डिफरेंस है थोड़ा बताएंगे? क्या मेरे में क्या डिफरेंस? बहुत डिफरेंस है। उधर तो मैं बहुत ही मतलब विकेड और ग्रे और नेगेटिव हूँ, इतनी मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ। थोड़ी थोड़ी हूँ। ऐसे भी बोलते हैं कि जो रियल लाइफ में नेगेटिव होते हैं वो रियल लाइफ में अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं। हाँ मतलब हाँ ये तो मैं एक्टर हूँ, मेरा जॉब है तो कभी मुझे पॉजिटिव रोल मिलते हैं कभी नेगेटिव मिलते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली हम करते हैं तो मतलब तो फ़र्क होता ही है। हाँ आप सीरियल देखते रहिए और हमें अपने फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है ताकि हम स्टोरी को उसी तरह से अनफोल्ड कर सकें, आगे बढ़ा सकें। स्टोरी की बात करें आगे कुछ ट्विस्ट आने वाले?
स्टोरी तो देखिए डेली सोप है तो हर थोड़े दिन की स्टोरी आगे बढ़ पाती है, पूरी स्टोरी एंड तक तो हमको भी मालूम नहीं होता।